श्रद्धा की हत्या के पाँच कारण बताए जा रहे हैं मीडिया में अभी तक आगे ये पाँच सौ भी हो सकते हैं पहला कि उसका जो हत्यारा है वो डैक्स्टर मूवी से इंस्पायर्ड था यानी अगर डैक्स्टर मूवी नहीं बनी होती तो श्रद्धा की हत्या नहीं होती गलती किसकी है डैक्स्टर मूवी की आफताब की नहीं दूसरा ऐसा बताया जा रहा है कि श्रद्धा जो है वो आफताब पे शादी करने का दबाव बना रही थी जिसके कारण आफताब को गुस्सा आ गया यानी श्रद्धा की हत्या के लिए श्रद्धा ही दोषी है जो उसने शादी का दबाव बनाया आफताब नहीं तीसरा कारण बताया जा रहा है कि श्रद्धा आफ्ताब पर शक करती थी वो उसे चीट कर रहा है इसलिए कई बार उन दोनों की इस बात पे लड़ाई भी हुई थी और उस दिन भी श्रद्धा की हत्या कहा सुनी के बाद ही हुई थी यानी श्रद्धा की हत्या का कारण फिर श्रद्धा ही है जो उस पर शक कर रही थी आफ्ताब की कोई गलती नहीं है चौथा फ्री प्रेस जर्नल वालों ने खबर छापी है कि आफ्ताब ने जिस दिन श्रद्धा की हत्या की उसके दस दिन पहले भी श्रद्धा की हत्या करने की कोशिश की थी पर श्रद्धा के रोने पे वो रुक गया था यानी श्रद्धा अगर 18 मई की रात भी खूब रोई होती तो शायद इस बार भी आफ्ताब उसकी हत्या नहीं करता यानी इस बार भी श्रद्धा की हत्या उसके ना रोने के कारण हुई है यानी गलती किसकी श्रद्धा की आफ्ताब की कोई नहीं पांचवा एक कारण ये भी अभी कहीं मीडिया में आ रहा है कि आफताब ने वीड के नशे में श्रद्धा की हत्या कर दी यानी गलती उस वीड की वीड बेचने वाले की की आफताब कोई नहीं अभी श्रद्धा की हत्या के लिए ऐसे और कई कारण मार्केट में में बताए जाने लगे मीडिया आने लगे तो इसमें मुझे कोई हैरानी नहीं होगी मैंने आपको पांच बताया पांच हजार भी हो सकते हैं आप सोच रहे होंगे यार ये बंदा बड़ा अजीब है इसे हैरानी क्यों नहीं होगी तो मुझे हैरानी इसलिए नहीं होगी क्योंकि उसका कारण सुनो तारीख थी इकतीस दिसंबर दो देश था जर्मनी जर्मनी में कोलोन शहर वहां की जर्मन महिलाएं और पुरुष न्यू ईयर की ईव पर पार्टी करके देर रात अपने घरों को लौट रही थी उसी समय रात को हजार के करीब भाईजान लोग उस शहर के मेन ट्रेन स्टेशन पे इकट्ठे हो गए प्लानिंग के साथ और घर लौट रही जर्मन महिलाओं को सेक्सुअली असोल्ट किया और यह सेक्सुअल असोल्ट किसी एक दो महिला के साथ नहीं हुआ था बल्कि सैकड़ों की संख्या में हुआ था द जॉम्बीज परपिट्रेटेड मास सेक्सुअल असोल्ट अब इसके बाद क्या होना चाहिए था भाई कायदे से जर्मन पुलिस आती उन्हें गिरफ्तार करती और सजा देती पर ऐसा हुआ जी नहीं वहां की मेयर हेनरी ट्रीकर ने विक्टिम महिलाओं को ही ही फटकार लगाई कि तुम ही लोगों के कारण यह हुआ है उन्होंने कहा कि वो पूरा प्रयास करेंगे कि जर्मन वुमेन अपना बिहेवियर चेंज करें और फ्यूचर में ऑनलाइन गाइडलाइंस जारी की जाएंगी जिससे उन महिलाओं को सिखाया जाएगा कि कैसे फ्यूचर में जॉम्बीज को सेक्सुअल असोल्ट करने के लिए प्रोवोक करने से बचा जाए जैसे कपड़े पहनने हैं कैसे पहनने हैं कैसे रहना है जर्मन महिलाओं को एटीसी

सेक्सुअल असॉल्ट के परपेट्रेटर्स यानी जॉम्बीज को जिन्होंने उनकी महिलाओं को सेक्सुअली हरास किया था रेप किया था उन्हें क्रिटिसाइज किया तो उन्हें इसके लिए सजा मिली जैसे इस मास सेक्सुअल असोल्ट के बाद जब जर्मन सड़कों पर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने उतरे तो जर्मन पुलिस ने उन्हीं पर वाटर कैनन छोड़े आपको सुनने में गलती ना हो दोबारा सुनो जर्मन पुलिस ने जॉम्बीज द्वारा रेप का विरोध करने वालों पे वाटर कैनन छोड़े जिनका कहना था कि भाई उन माइग्रेंट सॉरी इलीगल इमिग्रेंट जॉम्बीज ने वुमेन राइट्स और वेस्टर्न वैल्यूज को वायलेट किया है ना कि उन जॉम्बीज पे जिन्होंने सेक्सुअली असोल्ट किया था और बेहूदगी जो है वो यही नहीं खत्म होती दुनिया बहुत एडवांस हो गई है भाई अगले साल जब नए साल की रात पे जॉम्बीज द्वारा किए गए रेप्स और वायलेंट क्राइम्स कम हुए जर्मनी में तो वहां के लेफ्टिस्ट डॉग्स ने वहां की पुलिस को ही कंडेम करना शुरू

यूरोप में अब मुस्लिम रिफ्यूजीज द्वारा महिलाओं के रेप को रोकना व्हाइट प्रिविलेज और रेसिस्ट अटेम्प्ट हो गया है ऐसे आपको 36 केस गिनवा दूंगा जहां पे गलती गिन की ही निकलती है अगर हत्यारा रेपिस्ट जॉम्बी हो तो जैसे हमारे देश में नूपुर शर्मा वाला ही केस देख लो नूपुर शर्मा के बयान के बाद उसका सपोर्ट करने मात्र से ही कोई लगभग 16 से अधिक हिंदुओं की हत्या कर दी गई है जितने लेफ्टिस्ट प्रोपोगंडा पोर्टल्स हैं आप उनकी कवरेज उठाकर देख लो हर में एक चीज कॉमन दिखेगी कि हत्यारा जो था वो ऑफेंड हो गया था बलात्कारी जो है वो किसी बात पे परेशान था वो साइकोपैथ था वो मेंटली इल था किसी बात पे कुछ हो गया था तो जैसे जर्मनी के कोलोन की गवर्नर ने रेप के लिए महिलाओं को ही जिम्मेदार ठहराया लेफ्टिस्टों ने रेप रोकने के लिए पुलिस को रेसिस्ट बताया वैसे ही श्रद्धा के पैंतीस टुकड़े करने वाले आफ्ताब को दोषी ना बता के डेक्स्टर मूवी को दोषी बताया जाएगा तो श्रद्धा के शक करने को तो श्रद्धा के शादी करने के दबाव बनाने को तो श्रद्धा के ना रोने को बताया जाएगा आफ्ताब ने वीड ले ली थी तो उस नशे को दोषी बताया जाएगा पर आफताब और उस किताब को दोषी कोई नहीं बताएगा जो आफताब को यह हिम्मत देती है और ऐसा करने पर हूरे देने का वादा करती है सनद रहे एक जॉम्बी के लिए उसकी किताब के अकॉर्डिंग ऑल काफिर वुमेन आर माले गनीमत कैन बी मेड सेक्स स्लेव्स और सेक्स स्लेव्स को शादी करने के लिए कहने का कोई अधिकार नहीं देती वो किताब और एक जॉम्बी सेक्स स्लेव्स भी चाहे जितनी मर्जी उतनी बना सकता है तो चीटिंग की तो बात ही नहीं है जो श्रद्धा के लिए चीटिंग था वो आफ्ताब के लिए डिवाइन सैंक्शन था का श्रद्धा ने मुझ जैसे किसी हेट मोंगर की इस्लामोफोब की कोई वीडियो देख ली होती कहीं कोई ऋषि रॉबर्ट स्पेंसर बिल वॉर्नर की किताबें पढ़ ली होती खैर जो हुआ सो हुआ अब आगे ऐसा कुछ ना हो कोई और लड़की श्रद्धा ना बने किसी और हिंदू लड़की की लाश फ्रिज में ना मिले उसके लिए आप एक किस्सा और सुनो जो पूर्वजों के हमारे लिए कॉमन सेंस की बात होती थी एक गांव को सरवाइव करने के लिए जंगलों को साफ करना पड़ता है जंगल में रहने वाले मांसाहारी यानी कार्निवरस पशुओं को अगर वो गांव में घुसाए तो मारना पड़ता है गांव वाले अपने बच्चों को अपने पालतू पशुओं को ये नहीं सिखाते कि भेड़िए से दूर रहो बल्कि वे भेड़िए को देखते ही जान से मार देते हैं लाठी हो भाला हो गोली हो जो भी हो जान से मार ही देते हैं अब जो जंगल में रहने वाला मांसाहारी कार्निवरस जानवर होता है उसके लिए जंगल में रहने वाले अन्य जानवरों का शिकार करना बहुत मुश्किल होता है इन कंपेरिजन टू गांव वालों और उनके पालतू पशुओं के शिकार करने से पर वो कार्निवरस जानवर भी इजी काम के बदले हार्ड वाला काम करता है क्योंकि उसे पता होता है गांव में भटका तो मृत्यु निश्चित है रोका जा सकता है बाकी सब समय की बर्बादी है जो इससे वो आपका समय बर्बाद कर रहा है वायलेंस टू बी पुट डाउन एंड कैन बी पुट डाउन ओनली विद ग्रेटर वायलेंस